हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले की वर्किंग देखेंगे। तो ये सिंपल सी वर्किंग है यहाँ, और फिर इसके टाइप्स हैं, उसकी वर्किंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले ऑपरेट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ एन आर्मेचर बींग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल सा है, देखिए एक आर्मेचर मूविंग पार्ट है, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे करंट पे डिपेंड करेगा कि करंट बढ़ेगी तो उसकी मैग्नेटिक पावर यहाँ पे बढ़ेगी, और उसके बाद वो आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इस तरीके से दो कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे और एक सर्किट कंप्लीट होगा। सच रिलेज ऑपरेट बोथ फॉर एसी एंड डीसी क्वांटिटीज। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले एसी के लिए और डीसी के लिए, दोनों के लिए ही काम करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं इसका पहला टाइप, वो है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। तो इसकी यहाँ पे पहले शुरू की लाइन देख लीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट एम। यहाँ पे देखिए, ये मैं आप पीछे नीचे फिगर के साथ भी बताऊंगा कि ये जो नीचे एक यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मीन्स सिंपल ये एक आयरन पीस है, और इसके ऊपर एक कॉइल को वाउंड किया गया है, ओके। एंड अ पिवोटेड लेमिनेटेड आर्मेचर। नीचे की ओर देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखते हैं हम, अब इस पर फोकस करेंगे फिगर पर। तो यहाँ पे अब देखते हैं, देखिए नीचे की ओर क्या है, यहाँ एक आर्मेचर आपको दिख रहा है सभी को, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये आर्मेचर है, ओके। ये मूवेबल है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। अब देखते हैं यहाँ पर अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब कोई फॉल्ट नहीं आया है, द करंट थ्रू द कॉइल्स ही इज सच दैट, मतलब इस कॉइल में करंट ऐसी होगी सच दैट काउंटर वेट, यानी कि ये एक वेट है यहाँ पे, देखिए पूरा वेट है, इसको नीचे की ओर रखा हुआ है। काउंटर वेट होल्ड्स द आर्मेचर इन द शोन पोजिशन, मतलब नीचे की ओर रखा हुआ है। और देखिए ये दोनों कॉन्टैक्ट अभी आपस में टच नहीं हुए हैं ना, ये नीचे का प्लंगर ऊपर नहीं गया है, और यहाँ पे सेपरेट है कॉन्टैक्ट, तो ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है। अब क्या होगा, व्हेन शॉर्ट सर्किट ऑपरेट्स, कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा, देखिए ये उससे कनेक्टेड है, ये जो अपनी कॉइल है वो जहाँ पे पावर सिस्टम में फॉल्ट हो रहा है वहाँ से कनेक्टेड है। द करंट थ्रू द कॉइल सी इंक्रीजेस, तो यहाँ पे ये जो कॉइल सी का करंट है ना, ये बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, देखिए करंट थ्रू द इंक्रीजेस एंड आर्मेचर इज अट्रैक्टेड अपवर्ड्स। अभी क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और यहाँ पे करंट बढ़ रही है, और करंट के स्क्वायर के रिलेशन में यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट होती है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये पूरा की पूरा पार्ट ऊपर की ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ड्यू टू विच द टिप सर्किट कंप्लीटेड, इसके कारण देखिए ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये दोनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। क्लोज है मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो गया, और अब क्या करेगा, एंड रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, यहाँ से सिग्नल जाएगा, क्योंकि अब देखिए एक यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट के ज्वाइन होने से क्या हुआ है, एक सर्किट कंप्लीट हो गया जो एनर्जाइज है, जिसमें बैटरी या अनदर सोर्स लगे होंगे, और वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के लिए सिग्नल देगा। किस चीज़ को ओपन करने के लिए, हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से ये पहला हुआ हमारा अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। अभी इसके आगे देखेंगे हम इसके और भी टाइप्स।